दोस्तों, भारत में जब भी अमीर लोगों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले मुकेश अंबानी का नाम आता है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के अमीर व्यक्ति और रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी है। उनकी कुल संपत्ति आज पूरे 7,20,000 करोड़ रुपए है। अब इतने बड़े बिजनेसमैन को कई सारी धमकियां आए दिन मिलती रहती है, जिसके लिए मुकेश अंबानी को कड़ी से कड़ी सुरक्षा दी जाती है। दोस्तों, अंबानी जहां भी जाते हैं उनके साथ हमेशा 15 से 20 गाड़ियों का काफिला हर वक्त उनके साथ रहता है, जिसमें कई हाईली ट्रेड कमांडोस मौजूद है जो हथियारों के साथ लैस रहते हैं, जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुकेश अंबानी को Z+ लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है, जो भारत में सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ही मौजूद है, जिसमें बीजेपी के होम मिनिस्टर अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। दोस्तों, मुकेश अंबानी को कई निर्धारित जगह पर पहुंचने से पहले वहां पूरी जगह को अच्छी तरह से चेक किया जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अंबानी के आने से पहले वहां कई सारे ट्रेंड मिलिट्री डॉग्स के जरिए हर एक चीज को बारीकी से चेक किया जाता है। ये डॉग्स इतने पावरफुल होते हैं कि अपने सूंघने की क्षमता से बम या फिर हथियारों का होना भांप लेते हैं। इस तरह पूरी जगह को सिक्योर करने के बाद ही मुकेश अंबानी को वहां लाया जाता है। दोस्तों, मुकेश अंबानी के गाड़ियों के काफिले में Z+ सिक्योरिटी के साथ मुंबई पुलिस की गाड़ियां भी शामिल होती है, जो हर वक्त उनकी सिक्योरिटी के लिए तैनात रहती है। उनकी सिक्योरिटी में महंगी से महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो बुलेट और बम का धमाका भी सह सकती है। मुकेश अंबानी BMW 7 सीरीज कार में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, जिसमें लगे दरवाजे मोटे लोहे से बने हुए होते हैं और इस गाड़ी के कांच किसी भी गोली को रोकने के लिए सक्षम होते हैं। उनकी कार में एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्ब आइडेंटिफाई सिस्टम लगाई गई है, जो गाड़ी के आसपास बॉम्ब होने का सिग्नल बताती है। दोस्तों, दरअसल मुकेश अंबानी की गाड़ी चलाने वाले कोई आम ड्राइवर नहीं होते हैं, बल्कि मिलिट्री के ट्रेन ड्राइवर होते हैं, जो किसी भी हालत में हमले के वक्त कार को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में सक्षम होते हैं। अंबानी की सिक्योरिटी में जो Z+ जवान साथ में होते हैं, उनको कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। उनको हर हमले से कैसे निपटना है, ये सब पहले से ही सिखाया जाता है। दोस्तों, इस तरह मुकेश अंबानी महीने के करीब 50 लाख से भी अधिक ज्यादा रुपए अपनी सिक्योरिटी के लिए खर्च कर देते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी कई बार एक से दूसरी जगह जाने के लिए अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये निर्देश दिया जाता है कि अंबानी के हेलीकॉप्टर के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई प्लेन या फिर दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ना चाहिए। दोस्तों, जब मुकेश अंबानी हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं तो उनके बॉडीगार्ड उनको चारों ओर तरफ से कवर कर लेते हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठा देते हैं, और फिर आगे का रास्ता तय किया जाता है। दोस्तों, हाल ही में उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों के लिए खास बाइक्स तैयार करवाई है। ये बाइक्स अंबानी की सिक्योरिटी के लिए खास तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। इस रॉयल एनफील्ड को कस्टमाइज करके बुलेट बाइक को सेफ्टी के लिए तैयार किया गया है, जिसे मुकेश अंबानी की कार के आगे खास सुरक्षा के लिए इस बाइक को चलाया जाएगा। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि मुकेश अंबानी के काफिले में पीछे एक एम्बुलेंस तो जरूर होती है। ये एम्बुलेंस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जब अचानक किसी कारणवश वही घटना स्थल पर इलाज करना पड़े तो इसमें छोटा सा ऑपरेशन थिएटर रहता है और हॉस्पिटल की दूसरी सुविधा भी मौजूद होती है। आज मुकेश अंबानी मुंबई में स्थित एंटीलिया नामक आलिशान 27 मंजिला घर में रहते हैं।
उनके घर में 600 से अधिक नौकर काम करते हैं। उनकी करीब 140 गाड़ियों के लिए स्पेशल पार्किंग सिस्टम तैयार किया गया है, जहां उनकी लग्जरी गाड़ियां पार्क की जाती है। दोस्तों, अंबानी के घर के बाहर 2400 घंटे मुंबई पुलिस और कई मिलिट्री के जवानों सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। उनके घर के अंदर जाने से पहले हर एक गाड़ियों को मेटल डिटेक्टर सिस्टम से गुजरना पड़ता है। ये सिस्टम अंबानी के घर के दरवाजे पर लगा हुआ होता है। यह गेट इतना मोटा और मजबूत होता है कि किसी भी बम का धमाका आसानी से सह सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें, और ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग इन्फॉर्मेशन को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।